जनपद में दिवाली पर्व को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसको लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि बाइक पर 3 सवारी की चेकिंग की जा रही है तथा एसएसपी के माध्यम से सभी थानों पर बॉडी कैमरे दिए गए हैं। सभी थाना अध्यक्ष और सिपाहियों को निर्देशित किया गया है कि कैमरे को हमेशा ऑन रखें, जिससे कि जो भी रिकॉर्ड होगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि जनता और पुलिस वालों के बीच जो गलतफहमी होती है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो सके। उन्होंने बताया कि महानगर में डायवर्जन लागू रहेगी और जहां भी अवैध पटाखे की दुकान की सूचना मिल रही है वहां दबिस करके कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सीजन आ गया है तो इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहे हैं और जैसे आज हमने चेकिंग अभियान चलाया था और इसमें बैरियर चेकिंग ऐप का प्रयोग किया था। उसमें यह है कि नगर क्षेत्र में 1100 से ज़्यादा लोग पोस्टेड हैं, उन सबकी आईडी बनाई गई है और सबको जो है उस पर फोटो डालनी होती है। आपराधिक दृष्टिकोण से चेकिंग की जा रही है। जो बाइकों पर सवार जो लोग हैं, उनकी ब्लैक पल्सर हो गई, जो सफ़ेद अपाची और 3 सवारी के लोग जो छोटे ही उनके लड़के हैं, दुर्घटनाओं को कारित करते हैं, उन लोगों की चेकिंग की जा रही है। आज चेकिंग की गई और काफ़ी अच्छी चेकिंग की गई। ऐसी चेकिंग करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। इसके अतिरिक्त कप्तान साहब ने बॉडी वॉर्न कैमरे दिए हैं, हर थाना को बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है, इसको वो हमेशा ऑन रखेंगे और जो भी वो चेकिंग करते हैं, जो भी उनके साथ जो भी बातें होती हैं, ट्रैफिक को भी दिया गया, वो सब रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड करके उसको रखा जाएगा, ताकि बाद में कई बार कुछ आरोप लग जाते हैं, कई बार पुलिस पे लगते हैं, कई बार जनता पे लगते हैं, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। इसलिए बॉडी वॉर्न कैमरा भी दिया गया है इस बार, और चेकिंग अभियान ऐसे चलाया जाता रहेगा। यातायात डाइवर्जन की स्कीम भी लागू रहेगी और नगर के जहाँ भी ज़्यादा पटाखे वगैरह कैसे दुकान वगैरह जहाँ भी हमें सूचना मिल रही है वहाँ हम लोग दबिश भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, ये तो जनता को अवेयरनेस खुद ही लाना पड़ेगा कि इन पटाखों को कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि प्रदूषण वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खास करके कोरोना के बाद लोगों की सांस संबंधी जो प्रॉब्लम है वो वैसे ही बढ़ गई है। तो इस बदले हुए परिदृश्य में जागरूकता हम सबको, पुलिस प्रशासन जनता सबको मिल के ये करना होगा, क्योंकि अगर हम बेहतर समाज चाहते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है। देखिए, उसमें अलाउड तो नहीं है इस तरह से चलाना, तो अगर ऐसी सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे।